हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएवी पब्लिक स्कूल की तरफ से जो टीचर्स रिक्रूटमेंट निकली है उसके बारे में, और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट फुलफिल किए जा सके। लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डीएवी स्कूल, ये दिल्ली की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली है, तो यहाँ पर आपको ये कैसे आप एप्लीकेशन कैसे डाल सकते हैं, कब एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो ज़रूर जाएं, क्योंकि इस टाइम कहीं ना कहीं अच्छी खासी सैलरी भी यहाँ पर देखने को आपको मिल जाती है, ठीक है। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ज़रूर जाएँ वहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये डीएवी की साइट है, ये साइट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, एंड एज वेल एज मैं इसका जो नोटिफिकेशन है और जो फॉर्म है वो दोनों ही टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, ताकि आपको इजी इजी रहे चीज़ें लेने में। तो यहाँ पर आप कैसे जाएंगे, तो जैसे ही साइट ओपन करेंगे करियर वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप जाएंगे, जैसे ही आप करियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनकी जो एड है जो इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में दी थी, कल ही दी थी, यानी कि 22 तारीख को इन्होंने ये ऐड दी थी। और इसमें इन्होंने कहा है कि विद इन 7 डेज़ के अंदर आपके स्कूल रिसेप्शन पे अपने जो फॉर्म, अभी मैं दिखा दूंगी आपको, फॉर्म सबमिट करना है, और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उन्हें सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर किस किस की वैकेंसी है, पीआरटी, टीजीटी और आपकी पीजीटी। पीजीटी में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, काउंसलिंग, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर। टीजीटी में सोशल साइंस, और आपकी पीआरटी में हिंदी, जर्नल हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेटर एज एंड नर्सरी की भी वैकेंसी है, ठीक है। तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये इस वेबसाइट से, यानी कि www.dav.com, ठीक है, यहाँ से आप अपना। और एलिजिबिलिटी अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर देखिए, जो आपका एज और क्वालिफिकेशन है ये CBSE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि CBSE के अकॉर्डिंग जो आपका एज क्राइटेरिया होता है वो होगा। दूसरी चीज़, 55% मार्क्स या फिर उससे अबव मार्क्स आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विद बीएड, ठीक है, होने चाहिए किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिए, और फ्रेशर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और टीजीटी और पीआरटी दोनों के लिए ही सीटेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, ये याद रखिए, विदाउट सीटेट वाले एलिजिबल नहीं होते यहाँ पर, ठीक है। तो सीटेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, और आपको विद इन अ 7 डेज आपको स्कूल रिसेप्शन पे अपना फॉर्म सबमिट कराना है, ठीक है, 7 डेज़ के अंदर फॉर्म सबमिट कराना है, और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को कॉल जाएगा और उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और अब बात करें आपके फॉर्म की, तो जैसे ही आप यहाँ नीचे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कीजिएगा जैसे ही क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यह आपका फॉर्म खुल गया, ठीक है। तो ये फॉर्म मैं आपको दिखा देती हूँ, जो आपका फॉर्म है यहाँ पर पिक वगैरह जितनी भी डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं वो सारी ठीक तरीके से भरिएगा। और अगर मैं बार बार ही कह रही हूँ, अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर जाके एटलीस्ट इंटरव्यू फेस कीजिए, क्योंकि कई चीज़ें आपको ना फेस करने के बाद ही पता चलती है। हमें लगता है कि हम हर चीज़ कर लेंगे, लेकिन कई चीज़ें हमें बाद में पता चलती हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, और अगर इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा एज सून एज पॉसिबल। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई दे सकूँ, और कुछ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।